हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। सो हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। आई एम सीए विरलसा। आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज की पाठशाला लर्निंग विद सीए। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू फॉलो द लीगल वे। आपको कस्टम के रूल्स, रेगुलेशन, प्रोविजन और नोटिफिकेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूल्स, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन भी लागू पड़ेंगे। हमारे देश की सेंट्रल बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने भी कुछ रेगुलेशन बनाए हुए हैं, उसको फॉलो भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और GST रजिस्ट्रेशन के तहत आप विथ पेमेंट ऑफ GST और विथआउट पेमेंट ऑफ GST एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो इसी तरह से अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है तो यू हैव टू टेक नोट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट, GST एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस एज वेल एज द फेमा एक्ट। इसके अलावा कोई और अगर लॉ और रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं तो उसको भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप नए बिजनेसमैन हो तो सबसे पहले आपको एंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। एंटिटी में भी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP और दी कंपनी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं किस तरह की एंटिटी क्रिएट करूँ। सो इट विल डिपेंड ऑन योर फैसिलिटी एज वेल एज योर बजट। सो यू मे स्टार्ट विथ योर प्रोप्राइटरशिप एंड इफ योर बिजनेस ग्रो यू मे कन्वर्ट सच फर्म इंटू पार्टनरशिप, LLP और दी कंपनी। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग द एंटिटी यू हैव टू ओपन द बैंक अकाउंट विथ पर्टिकुलर बैंक। सो बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपको DGFT की वेबसाइट से मिल सकता है। यू हैव टू अप्लाई फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑनलाइन थ्रू DGFT वेबसाइट। और यह जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है वह पेन बैज है, मतलब सिंगल पेन और सिंगल एंटिटी के लिए 1IC कोड एप्लीकेबल होगा। अब आपने बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, IC कोड भी आ गया। उसके बाद यू हैव टू अप्लाई फॉर योर GST रजिस्ट्रेशन। सो GST रजिस्ट्रेशन यू कैन अप्लाई फ्रॉम द वेबसाइट कॉल्ड GST.gov.in। GST रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ऑन द पैन बैज। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि लोकेशन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यू कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम एनी प्लेस इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। लेकिन ये चीज जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अगर आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सपोर्ट करते हो तो वो प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से आपको मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सेम फॉर एग्जांपल, अगर आप टी का एक्सपोर्ट करते हो तो आपको टी बोर्ड से RCMC सर्टिफिकेट यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आप कॉफी का एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कॉफी बोर्ड से RCMC सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और अगर आप फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हो तो यू हैव टू टेक FSSAI सर्टिफिकेट। FSSAI सर्टिफिकेट 3 लेवल के होते हैं, म्यूनिसिपल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट यू हैव टू टेक द सेंट्रल लेवल FSSAI सर्टिफिकेट। इसके अलावा कुछ और लाइसेंस और अप्रूवल भी हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस के बेच पे आपको लेने पड़ सकते हैं। और अगर आपकी मतलब इंडिया के किसी और कंट्री के साथ ट्रीटी है या फिर रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं तो कंट्री बेच आपको कुछ अप्रूवल और लाइसेंस भी लेने पड़ सकते हैं। जो हमने ये डिस्कस किया है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट द एक्सपोर्ट बिजनेस। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच।